वफाकी दारुल हुकूमत में पानी जमा करने का कामयाब तजुर्बा। 5 जदीद कुओं की मदद से 2 दिन की बारिश से 50 लाख गैलन पानी हासिल कर लिया गया। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार होने जा रहा है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तआवुन से इस्लामाबाद के कचनार पार्क में मॉडल के तौर पर 5 जदीद कुएं बनाए। सस्ते तरीन मंसूबे में CDA मजीद 100 कुओं का इजाफा करने जा रहा है। माहिरीन कहते हैं ये मंसूबा पाकिस्तान की नस्लों की बका साबित होगा। ग्राउंड वाटर के ऊपर जो है वो प्रेशर हमारा बढ़ गया है क्योंकि हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई है। अब जब ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गई है तो उस वजह से ये मसला है कि हम पंपिंग ज़्यादा कर रहे हैं और पंपिंग ज़्यादा होने की वजह से दिन ब दिन जो है हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और घरों पर छतों के पानी को महफूज किया जाएगा। ये फ्रेश वाटर है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको जो है वो एफिशिएंट तरीके से क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ये बेसिकली डिजास्टर के अंदर, फ्लडिंग की सिचुएशन में डिजास्टर के अंदर टर्न आउट होता है। इस मंसूबे से पानी के बहरान के साथ साथ अर्बन फ्लडिंग पर भी काबू पाया जा सकेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ आमना जिंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।